एक मुलाकात और बिहार सियासत में पारा चढ़ गया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की ये मुलाकात पटना में सीएम सचिवालय में हुई है। करीब 8 महीने बाद ऐसा देखने को मिला है जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई है। इन दोनों नेताओं के बीच में आखिरी मुलाकात लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी। इन दोनों नेताओं के बीच मीटिंग के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। दोनों नेताओं के बीच सचिवालय में थोड़ी देर की मीटिंग के बाद बिहार की सियासत में कयासों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि राज्य में बिहार में नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति होनी है और इसमें नेता प्रतिपक्ष से राय मशवरा किया जाता है। इसके साथ साथ मानवाधिकार आयोग में भी कुछ पद खाली हैं। बैठक के बाद तेजस्वी यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार खुद जानकारी देगी। माना यह भी जा रहा है कि राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा सीएम के बीच 65% आरक्षण के मामले को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक से निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि 9वीं अनुसूची के मुद्दे पर बात हुई है, सीएम ने भी अपनी बात रखी है और हमने भी अपनी बात कही है, आगे देखते हैं। तेजस्वी यादव लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि बिहार में आरक्षण के कोटे को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। 2 दिन पहले भी आरजेडी नेता ने कहा कि उनकी पार्टी इसे लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रही है, लेकिन जेडीयू के लोग नौटंकी कर रहे हैं। इसके साथ साथ तेजस्वी ने जाति आधारित जनगणना का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने पहले क्यों नहीं बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई। बिहार में फिलहाल जेडीयू की अगुवाई में एनडीए की सरकार है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू ने आरजेडी के साथ सरकार चला रही थी। तब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, लेकिन चुनाव में मतभेद पैदा होने के बाद नीतीश कुमार पलटी मार गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब आरजेडी विपक्ष की भूमिका में है। तेजस्वी यादव समय समय पर सरकार को जातिगत जनगणना, शिक्षकों की भर्ती और भ्रष्टाचार के मुद्दों के जरिए सरकार पर निशाना साधते रहते हैं।